वेलकम टू एनोनिमस टेक्टर दोस्तों। आजकल फोन ओए उठे ओए दोस्तों, आजकल फोन लेने की जरूरत बन चुकी है और बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं या ऑलमोस्ट हर कोई आज के टाइम में स्मार्टफोन्स अफोर्ड कर सकता है। अब स्मार्टफोन कंपनीज अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं तो ऑफकोर्स उसमें से प्रॉफिट भी कमा रही होंगी। अब हर फोन पे प्रॉफिट कमाने के लिए उनको फोन की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को, या सिंपल में बोलूं तो फैक्ट्री में फोन को बनाने की कीमत को सेल्स प्राइस, मतलब उसकी बेचने की प्राइस से कम रखना पड़ेगा। हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके कैलकुलेट किया था कि एक एवरेज फ्लैगशिप फोन बनाने की प्राइस कितनी होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखना। पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा कि कोई ब्रांड्स कम प्रॉफिट लेती हैं और कोई पहाड़ से भी बड़ा प्रॉफिट लेती हैं। एग्जाम्पल क्या बताऊं यार, देख लो ना फर्स्ट पार्ट की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कम प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट का सीक्रेट क्या है, और ये भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर प्रॉफिट हद से ज्यादा है तो इतना प्रॉफिट आखिर जाता किधर है। साथ में ये भी बताना जरूरी है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रुके क्यों हो, सब्सक्राइब बटन को दबा दबा के लाल से नीला कर दो। और आज का टॉपिक ऐसा है कि यार कमेंट नहीं किया तो क्या किया फिर जिंदगी में। तो ये स्मार्टफोन ब्रांड्स के प्रॉफिट का मसला आखिर में है क्या, आओ बताता हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि पोको ब्रांड वाले सिर्फ 2000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे थे, सैमसंग वाले करीब 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे थे, और एप्पल वाले कम से कम 80,000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे थे। अब इन तीनों ब्रांड्स के स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, ड्यूरेबल फोन्स हैं, मस्त कैमरा है, फास्ट काम करता है, हैंग कम होता है, लुक्स भी अच्छा और दिखाने के लिए भी एक नंबर है, और आईफोन तो स्टेटस सिंबल भी बन गया है। लेकिन फिर भी ब्रांड टू ब्रांड प्रॉफिट में डिफरेंस है। अगर मामला बैलेंस करना है तो पोको वालों को फ़ोन और महंगे बेचने चाहिए और सैमसंग एप्पल वालों को और सस्ते में, क्यों है ना? पर ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो पहले ये समझना है कि प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं। पहला कि फ़ोन की प्राइस कम सेट करके इतने मोबाइल फ़ोन बेचो कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जमा हो जाए। ये ट्रिक यूज़ करते हैं रियलमी, शाओमी, पोको, वीवो वाले। इसी की वजह से दुनिया भर में इन ब्रांड्स के फ़ोन की बिक्री सबसे ज़्यादा भी होती है। और दूसरा प्रॉफिट कमाने का तरीका है एप्पल या सैमसंग के महंगे स्मार्टफोन्स की स्ट्रैटेजी वाला, यानी साल में एक बार फ़ोन लॉन्च करो और उसी में सारा प्रॉफिट मार लो। अब इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको सही लगता है कमेंट में ज़रूर लिख। अब सैमसंग के महंगे फ़ोन को एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि दूसरा तरीका मीन्स कि एक फ़ोन पर इतना प्रॉफिट क्यों कमाते हैं बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स, जिसमें एप्पल भी शामिल है। मान लो सैमसंग के फ़ोन की कीमत है 1,00,000 रुपये, जिसमें से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 30,000 रुपये, तो प्रॉफिट हुआ कितना, 70,000 रुपये। क्यों गुस्सा आ रहा होगा ना यार, चिल मारो, क्योंकि मैं अब बताऊंगा कि ये 70,000 रुपये का प्रॉफिट यूज़ कहाँ कहाँ होता है। 70,000 में से 20,000 खर्च हो जाते हैं वारंटी पे। अगर आप में से कोई हद महंगा फ़ोन या एप्पल फ़ोन यूज़ करता है तो आपको मालूम है कि अगर वारंटी पीरियड में आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो आपका फ़ोन फ्री में रिपेयर हो जाएगा, या तो फिर आपके फ़ोन को ब्रांड न्यू फ़ोन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब इस पॉलिसी को मेंटेन करने में ही लग जाते हैं 20,000 रुपये, तो अब कितने बचे, 50,000 रुपये। और इन 50,000 में से 10,000 की तो स्मार्टफोन ब्रांड्स के CEOs पार्टी करके खा जाते हैं। सस्तो नहीं मान लिया, मजाक कर रहा था यार, आगे बढ़ते हैं। इस 50,000 में से 20,000 दोबारा कट जाते हैं क्योंकि इन फोन्स की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है। भाई फ़ोन महंगे हैं तो अच्छे तो होंगे, आईफोन्स की रीसेल वैल्यू सबसे अच्छी मानी जाती है मार्केट में। वेल रीसेल वैल्यू अच्छी होने की वजह से स्मार्टफोन ब्रांड्स के न्यू फोन्स नहीं बिकते, और इससे उनको नुकसान भी होता है, पर इतना भी नुकसान नहीं होता क्योंकि घूम फिर के फोन्स नया हो या सेकेंड हैंड, कंज्यूमर उनके ब्रांड से जुड़ तो रहे हैं, और यही सेकेंड हैंड वाले कल के दिन एसेसरीज, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर या रिपेयर्स में पैसा खर्च करेंगे ही। तो इस रीसेल वैल्यू को बैलेंस करने में लग जाते हैं 20,000 रुपये। अब बचे 30,000 रुपये। इस 30,000 में से 25,000 रुपये खर्च हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, फ़ोन फास्ट होता है, गुड लुक्स वाला होता है, और सबसे बड़ी बात है कि लेटेस्ट होता है, और वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो यार महंगे फ़ोन्स लाजवाब होते हैं क्योंकि बहुत मार्केट रिसर्च की जाती है ऐसे फ़ोन्स को डिज़ाइन करने से पहले। अब उसके लिए टॉप मार्केटिंग टीम, टॉप इंजीनियरिंग टीम, एक अच्छा ऑफिस, अच्छी सी फैक्ट्री वगैरह वगैरह की ज़रूरत होती है, और फिर इन टीम के लोगों को सैलरी, बोनस, पर्क्स, ट्रांसपोर्टेशन, ब्ला 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 वगैरह तो देना ही पड़ता है। ऊपर से अलग अलग हार्डवेयर लेके सालों तक एक्सपेरिमेंट पास फेल होने के बाद फ़ोन को परफेक्ट बना के लॉन्च किया जाता है। यार इन सब में तो बड़ा खर्चा होता है, इसलिए 25,000 की लागत इस पॉइंट में मान लेते हैं।
बचे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये चले जाते हैं स्टेटस सिंबल मेंटेन करने में। देखो यार, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, नाइजीरिया या चाइना, इन सब देशों की एवरेज इनकम सेम नहीं है, कहीं कहीं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा। पर इन देशों में एक चीज़ कॉमन है और वो है इन महंगे फ़ोन्स की प्राइस। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 या आईफोन के कैटेगरी के स्मार्टफोन कंपनीज किसी भी देश में उनके फ़ोन्स की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते, क्योंकि ये स्मार्टफोन ब्रांड्स एवरेज इनकम वालों को टारगेट नहीं करते, ये टारगेट करते हैं अमीर लोगों को, और उसी वजह से इन फोन्स के लुक्स काफ़ी प्रीमियम होते हैं। अब अमीर तो हर देश में बराबर तो नहीं होते, ना ही हर कोई अमीर होता है, तो इन अमीरों की कमी को बैलेंस करने में या स्टेटस सिंबल को बैलेंस करने में लग जाते हैं 5,000 रुपये। दोस्तों, ये जो लिखा पढ़ी गणित हमने की है, ये सिर्फ एक फ़ोन के प्रॉफिट से कैलकुलेट किया गया है। ज़रा सोचो कि हज़ारों लाखों में फ़ोन बिकते होंगे, लोग खरीदते होंगे और करोड़ों में इनका प्रॉफिट होता है। पर अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉफिट उन कंपनी के CEOs किटकैट खा के ब्रेक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मेरे बताए हुए पॉइंट्स में यूज़ करते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। यार, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल आपके साथ ग्रो हो सके। अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है आप सब लोगों ने। वीडियो को लाइक भी कीजिए और कीप सपोर्टिंग अस। स्टे ट्यून्ड टू एनोनिमस टेक टेलर। आई विल बी बैक।